हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा अलग होने वाला है। एक मेरी पुरानी वीडियो पे कई सारे कमेंट आए थे दोस्तों के होटल मैनेजमेंट में सैलरी क्या होती है, किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्री में जाती है तो वहाँ पे सैलरी क्या होती है। तो हम यही आज डिस्कस करने वाले हैं। मेरे 5 ईयर के एक्सपीरियंस से मैंने जो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्या सैलरी आपको मिल सकती है होटल मैनेजमेंट के अंदर, क्या कैरियर स्कोप है, तो हम डीपली डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपकी एक चीज़ ये क्लियर कर दूँ, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाते हैं, चाहे वो आपका मेडिकल लाइन हो, चाहे वो आपका लाइक इंजीनियर अगर आप, या फिर आप भी चाहे हॉस्पिटैलिटी के फील्ड में हो या किसी भी अदर कंपनी में अगर आप जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी एक सैलरी फिक्स नहीं होती है। तो वहीं पर अगर होटल मैनेजमेंट की हम बात करें, तो होटल मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आपको डिप्लोमा या डिग्री आपने जो भी कम्प्लीट अपनी की है, तो वहाँ पर उसके बाद आपको जो है एक ट्रेनिंग करनी पड़ती है, यू नो लाइक IT और JT आपको करनी पड़ेगी। तो जो भी अमाउंट आपको उस टाइम पे आपके लाइक पॉकेट एक्सपेंस आपको मिलते हैं ट्रेनिंग टाइम पे, आप जॉब ट्रेनिंग में जाते हैं तो वहाँ पर आपको मतलब 8,000 अराउंड आपको जो है एक 5-स्टार होटल जॉब ट्रेनिंग में आपको देता है। अब वहीं पर हमारी IT अब जब JT हमारी कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद होता है कि एक जॉब प्रोफाइल पे जब बंदा आता है, जब चूज़ करता है लाइक आई हैव टू डू द जॉब इन होटल मैनेजमेंट, तो वहाँ पर आपको यू हैव टू फाइंड आउट कि आप वहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ करने जा रहे हैं। लाइक वहाँ पर क्योंकि हमारे 4 डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें एक आपका लाइक F&B सर्विस होता है, वहीं पर आपका सेकेंड डिपार्टमेंट फूड प्रोडक्शन होता है, किचन डिपार्टमेंट, वहीं पर थर्ड आपका फ्रंट ऑफिस होता है, वहीं पर फोर्थ आपका हाउसकीपिंग होता है। तो आपको यू हैव टू फाइंड आउट कि मैं किस डिपार्टमेंट के लिए बना हूँ, मुझे एक्चुअल में क्या करना है, किस चीज़ के रिगार्डिंग आप पैशनेट हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। अब अर्निंग सोर्स क्या होते हैं, लाइक चलो किसी भी सेक्टर में अगर हम जाते हैं, लाइक कोई से भी डिपार्टमेंट में हम जाते हैं, चाहे वो आपका किचन हो, सर्विस हो, फ्रंट ऑफिस हो, हाउसकीपिंग हो, तो वहाँ पर सैलरी अमाउंट क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप जाते हैं F&B सर्विस को छोड़कर, तो वहाँ पर जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो आपको F&B से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज ऑफ वहाँ पर जो है टिप सोर्सेज बहुत कम होते हैं। अगर आप होटल मैनेजमेंट में F&B सर्विस में अगर आप जाते हैं, लाइक एज अ वेटर स्टीवर्ड में अगर आप काम करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपके टिप के सोर्सेज बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहीं पर अगर अराउंड आपकी 12,000 से स्टार्टिंग हो रही है जॉब की, तो वहाँ पर चांसेस हैं कि 10 से 12,000 आप महीने की टिप भी कमा सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, लाइक आपके वे ऑफ वर्किंग के ऊपर, आपके अंदर जो स्किल्स हैं, आप किस तरीके से लाइक गेस्ट को सर्विस दे पा रहे हैं, किस तरीके से एक मतलब गेस्ट को वहाँ पर आपको सारा कुछ करना पड़ेगा, लाइक आपको वहाँ पे खाना भी सर्व करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको टेबल भी क्लीन करनी पड़ेगी। अगर सिंपल सी भाषा में हम बात करें, एक वेटर जो होता है, तो जो एक वेटर को अगर काम करना पड़ता है, तो वो सारा काम आपको करना पड़ेगा। अब वहाँ पर टिप अमाउंट का ये होता है कि टिप हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं गेस्ट को, तो तभी वहाँ पर जो टिप अमाउंट है वो आपका बनेगा। अब कि अगर स्टार्टिंग अब लाइक अगर आप सैलरी का सोच रहे हैं, सैलरी हमारे होटल मैनेजमेंट कितनी होगी, तो एक 5-स्टार होटल में अगर आप स्टार्टिंग करते हैं सैलरी में, आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी एक 5-स्टार होटल के अंदर 12,000 के राउंड होगी। अब वो डिपेंड करेगा कि लाइक आप कितनी जल्दी चीज़ों को सीखते हैं, आगे डेजिग्नेशन आप ले सकते हैं, स्टीवर्ड के बाद में आप सीनियर स्टीवर्ड कैप्टन बन सकते हैं, तो वो चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं कि हम चीज़ों को कितनी जल्दी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, कितनी जल्दी सीख पा रहे हैं। अब कैरियर स्कोप अगर आप एक बेटर का, एक स्टीवर्ड का अगर कैरियर स्कोप की बात करें, तो वो स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे एक स्टीवर्ड से आप कैप्टन बन जाते हैं, एक टीम आपको दे दी जाती है वहाँ पर, लाइक 8 से 10 जो स्टीवर्ड हैं तो वहाँ पर आपके अंडर आ जाते हैं वो, तो वहाँ पे उस चीज़ को हैंडल करना है आपने। तो जैसे जैसे हम अप लेवल पे आते चले जाते हैं, तो वहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कैप्टन बन के रुक जाएंगे, आप एक दिन मैनेजर भी बनेंगे, एक दिन आप F&B मैनेजर भी बनेंगे, और हो सकता है कि आप एक फ्यूचर में एक अच्छा जनरल मैनेजर भी आप बन जाएँ। तो वहाँ पर कैरियर स्कोप काफ़ी है, लेकिन ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा। वहाँ पर सैलरी अमाउंट जितना भी है आपका, वो बढ़ता चला जाता है डेजिग्नेशन वाइज, जैसे जैसे आपकी डेजिग्नेशन बढ़ेगी वैसे आपकी सैलरी बढ़ती चली जाती है। तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम एक्चुअल में किस तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं, किस तरीके से आप काम को सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स का एक और क्वेश्चन ये रहता है कि इसमें मतलब टाइमिंग क्या रहती है ड्यूटी की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ड्यूटी टाइमिंग यहाँ पे एक कंपनी के अंदर F&B सर्विस में मोस्ट ऑफ लॉन्ग ड्यूटी रहती है। आपको यहाँ से मिनिमम जो है मतलब 10 आवर्स मतलब वहाँ पे कंपनी को देने पड़ेंगे, 10 से 11 घंटे आपके मिनिमम है। दिस इज़ वेरी क्लियर कि 10 से 11 घंटे आपको कंपनी के अंदर देने पड़ेंगे। अब वहाँ पर आप जो जा रहे हैं आपके वो 12 घंटे भी हो सकते हैं ड्यूटी पर, 13 घंटे भी हो सकते हैं, वो 14 घंटे भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है लाइक कि वहाँ पर जो क्राउड है वो कैसा है, वहाँ पर जो पार्टीज़ हैं, जो बुकिंग है वो किस हिसाब से हैं, या फंक्शंस या शेड्यूल कैसा है, वो बिजी शेड्यूल तो नहीं है आपका कंपनी के अंदर, शेड्यूल आपका बिजी तो नहीं है होटल के अंदर, तो वो डिपेंड करता है ड्यूटी टाइमिंग की अगर हम बात करें तो। आई होप कि मतलब ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी।
ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अगर और वीडियो आपको किसी भी टॉपिक पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।